खाने का लगे। आप सबको नमस्कार। मैं भिवानी परिवार मैत्री संघ और अपनी सहयोगी संस्थाओं की ओर से आपका इस मंच पे स्वागत करता हूं। आज ये जो हमारा कार्यक्रम है ज्ञान, आप सबको नमस्कार। मैं भिवानी परिवार मैत्री संघ और अपनी सहयोगी संस्थाओं की ओर से आपका इस मंच पे स्वागत करता हूं। आज ये जो हमारा कार्यक्रम है ज्ञान गंगा, इसका प्रवाह निरंतर जारी है। आज हम इसके 34वें संस्करण में प्रवेश कर गए हैं और जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि इस मंच के माध्यम से हम ज्ञान की गंगा में डुबकी लगाते हैं हर रोज एक विशिष्ट जन के साथ जिसने अपने क्षेत्र में एक विशिष्टता हासिल की है। आज ऐसे ही एक वक्ता हमारे मध्य उपस्थित हैं, तो आइए सबसे पहले माँ सरस्वती का आह्वान करते हैं, उनको नमन करते हैं, उसके पश्चात हम इस कार्यक्रम को शुरू करेंगे। हम अपने स्थान पे बने रहेंगे। माँ शारदे को नमन करता हूं और सचिन भैया नरेश जी को आप को-होस्ट बना दीजिए। सचिन, राजेश जी आप शायद होस्ट हैं अभी। मैं बना देता हूं जी। नरेश जी को-होस्ट हो गए हैं जी। सबसे पहले इस मंच के माध्यम से जो परिवार की सूचनाएं हैं वो हम शेयर करते हैं, तो मैं राजेश चेतन जी से अनुरोध करता हूं कि कोई सूचना उनके पास है तो शेयर करें इस मंच के माध्यम से। राजेश जी। साथियों, कोई मेरे पास ऐसा समाचार नहीं है जो आपसे मैं शेयर कर सकूं। धीरे धीरे लगता है कि कुछ स्थितियां थोड़ी बहुत सुधर रही है। अब ऑक्सीजन के लिए और हॉस्पिटल एडमिशन के लिए तो फोन आ रहे हैं, पर रेमडेसिविर के लिए, अब प्लाज्मा के लिए कल कोई कॉल नहीं आया। मैं आपको सूचित करना चाहता हूं, भिवानी परिवार मैत्री संघ के पास 9 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर हमने ले रखे हैं। किसी को चाहिए तो ऑक्सीजन कंसंट्रेटर एक बार शेयर कर दीजिए। प्रमोद जी जी, हम लोगों ने भगत सिंह एनजीओ के साथ मिलके एम्बुलेंस सर्विसेज को सपोर्ट देना शुरू किया है। अपना घर आश्रम भी एम्बुलेंस सर्विस दे रहा है और हिमांशु कालिया जी का भगत सिंह एनजीओ ये भी दे रहा है सर्विस। जिन जिन परिवारों से भोजन की डिमांड आती है उन परिवारों को भोजन, हमारे विनय सिंगल जी हैं वो भोजन की व्यवस्था कर देते हैं। और लगभग 12 डॉक्टरों का आयुर्वेदा, एलोपैथ, होम्योपैथ, नेचुरोपैथ, ऐसे 12 डॉक्टरों का पैनल है जो फ्री कंसल्टेंसी के लिए घंटा रोज भिवानी परिवार को दे रहे हैं, वो भी हम काम कर रहे हैं। और कुमार विश्वास जी से मेरी बहुत लंबी चर्चा हुई। कुमार विश्वास जी के साथ मिलकर गांव में एक किट बनाया है, 1,000 रुपये का एक किट है जिसमें दवाइयाँ है, ऑक्सीमीटर है,
और थर्मामीटर है ऐसे करके, और एक गांव में 50 किट दिए जा रहे हैं, वहां के कार्यकर्ताओं को, वहां के मेडिकल सिस्टम को ट्रेन किया जा रहा है। तो कुमार विश्वास जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो भिवानी परिवार ने आज से ये कैंपेन शुरू किया है, आप भी इस काम में कोई सहयोग करने का इच्छुक हैं आप कर सकते हैं। और हमारे पास सेक्शन 80Z है इनकम टैक्स की, 12A है, आप जो पैसा भिवानी परिवार मैत्री संघ को देंगे उसमें आपको इनकम टैक्स की रिबेट मिलेगी, आप इसके लिए संपर्क कर सकते हैं। ये हमारी डॉक्टर्स की टीम है जो कि कंसल्टेंसी के लिए हमने, या हम आपको शेयर कर देंगे, यहाँ ग्रुप में शेयर कर दी है प्रमोद जी ने। कंसंट्रेटर किसी को चाहिए तो संपर्क कर सकते हैं। और हॉस्पिटल एडमिशन के लिए भी बहुत बड़ी सेवा पंकज गुप्ता जी हमारे भिवानी परिवार में एक हमारे मित्र हैं, हमारे सेक्रेटरी हैं, वो कल भी उन्होंने 5 लोगों का एडमिशन दिल्ली में करवाया है। तो भिवानी परिवार जो भी सेवा का काम कर सकता है वो कर रहा है। महामारी है, सबको ही काम करना चाहिए। जब देश पे संकट होता है तो सबको सैनिक बनना पड़ता है। आप सब भी इस सेवा यज्ञ में अपनी आहुति दे सकते हैं, बस इतनी सी बात कहनी है। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी। और कल का जो हमारा सत्र था उसमें आर्ट ऑफ लिविंग के दिल्ली के चैप्टर के मनोज कुमार गुप्ता जी थे हमारे साथ, और उन्होंने पॉजिटिव साइड ऑफ पेंडेमिक के ऊपर अपना व्याख्यान दिया था। तो कल के सत्र की एक छोटी सी फीडबैक मैं लेना चाहूंगा, कोई देना चाहे रेज हैंड ऑप्शन यूज कीजिएगा। अरुण जी ने रेज हैंड किया है, तो अरुण जी स्वागत है, आप बताइए कल के फीडबैक में। नमस्कार जी। और राजेश जी ने अनुरोध किया था कि ऐसा कोई टेक अवे जो आप इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे उस पर थोड़ा सा ज्यादा बताएंगे तो अच्छा रहेगा। अरुण जी, सबसे पहले तो उन्होंने योगा के बारे में जो बताया कि किसी भी माध्यम से, जैसे मैंने एक क्वेश्चन पूछा था भामरी भाई आपने ऐसे बताया और हम ऐसे करते हैं अभी तक, तो उन्होंने कहा किसी भी रास्ते से, बहुत अच्छा उदाहरण दे के समझाया कि हमें करोलबाग जाना है या कनॉट प्लेस जाना है तो किसी भी रास्ते से चले जाएं, मेन हमारा मोटो है हमें कनॉट प्लेस पहुँचना है। तो वो उनकी बात हमें बहुत अच्छी लगी कि आपको योगा करना है किसी भी तरीके से करिए, बस अपने शरीर को स्वस्थ रखना है मेन तो। और उन्होंने एक टेंशन के बारे में जो दोनों यहाँ पॉइंट बताए वो सबसे अच्छा बेनिफिशियल रहा, तो मैंने किया भी अच्छा लगा, तो दो चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी उनकी। जी, धन्यवाद अरुण जी। और आइए आज के कार्यक्रम की ओर प्रस्थान करते हैं। मैं अपनी पूरी टीम, राजेश चेतन जी, हंसराज, रतन जी, दर्शना गुप्ता जी, सचिन चालन जी, राजेश राठौर जी, गिरीश जैन जी और स्वयं प्रमोद शर्मा, आपका इस मंच पे स्वागत करते हैं। आज के जो हमारे वक्ता हैं श्री नरेश जैन जी खिमसरा, वो एक प्रख्यात लेखक हैं, समाज सेवी हैं, संस्थापक अपना घर आश्रम पुटपुर, और उनके वक्तव्य का विषय रहेगा जीवो और जीने दो। ये उक्ति महावीर स्वामी जी ने दी थी कि हम मनुष्य जो रचना है वो सर्वश्रेष्ठ रचना है, तो स्वयं जिए और दूसरे का जीवन भी खुशहाल करें। और भी बताया कि अगर कोई अच्छा डॉक्टर है, अच्छा इंजीनियर है, वो अपने लिए नहीं है, वो समाज के लिए है। अच्छा कोई व्यवसायी है, वो अपने लिए नहीं है, दूसरे के लिए, क्योंकि दूसरे को रोजगार देता है। तो कहते हैं कि चेहरे की हंसी से गम को भुला दो, कम बोलो पर सबको बता दो, खुद पर सबको हंसा दो, यही राज है जिंदगी का, जियो और जीना सिखा दो। तो मैं भिवानी परिवार मैत्री संघ के कोषाध्यक्ष सामरमल गोयल जी से अनुरोध करता हूं कि नरेश जी का एक परिचय दें, उसके पश्चात उनका व्याख्यान शुरू होगा। सामर जी, सभी को सादर प्रणाम। और भिवानी परिवार मैत्री संघ के इस ज्ञान गंगा के इस प्रोग्राम में सभी का स्वागत है, और मेरे बड़े भाई नरेश जैन जी आपका हृदय से स्वागत है। नरेश जैन जी से मेरा परिचय करीबन 7 साल से है, जब से ये अपना घर आश्रम बूढ़पुर की स्थापना हुई है, और मैंने उनमें जो पाया है, एक तो नम्रता, धर्म, जैन धर्म में अटूट विश्वास, जैन मुनियों के प्रति अटूट श्रद्धा, और समाज सेवा, एक लेखक के रूप में, एक सफल व्यापारी के रूप में, और
एक कूटनीतिक के रूप में भी मैंने उनको पाया है। नरेश जैन साहब की जीवन यात्रा ब्यावर राजस्थान से शुरू हुई, वहां इनका जन्म हुआ और बचपन में ही ये दिल्ली आ गए इनका परिवार, और दिल्ली में ही इन्होंने ग्रेजुएशन की। उसके बाद इन्होंने बहुत ही छोटी आयु में व्यापार शुरू किया, डायमंड ज्वेलरी का, तरोल बाग में ला सोलिटर के नाम से एक एक्सक्लूसिव इनका शोरूम है। उसके बाद इन्होंने कुछ कॉलोनाइजर का भी काम किया, एक जैन कॉलोनी है इनकी, वो इन्होंने स्थापित की। उसके बाद काफी इन्होंने एज बिल्डर के रूप में भी काफी ख्याति प्राप्त की। इनकी पत्नी श्रीमती नीता जैन जी बड़े धार्मिक स्वभाव की है और इनका पूरा साथ देती है जैसा मैंने पाया है। और जैसे जैसे इनका व्यापार बढ़ता रहा तो इनके अंदर धर्म के प्रति, समाज के प्रति भी भावना वैसे वैसे बढ़ती रही। इन्होंने एक बहुत अच्छा काम किया बुराड़ी में। बुराड़ी में एक बुच्चर खाना था जहां पर काफी लोग उस बुच्चर खाना में काम में लगे हुए थे। इन्होंने क्या किया कि अपने प्रयासों से उस बुच्चर खाने को बंद करवाया और जहां वो बुच्चर खानों में काम करने वाले लोग थे उनको रोजगार दिया अपने काम में। उसके बाद इन्होंने महाराष्ट्र में गायों और कुत्तों पर सेवा का काम किया, जोधपुर में भी गायों और बकरों के ऊपर सेवा का काम किया जो आज भी चल रहा है, और जैन संगठनों में भी अरिहंत मार्गी जैन संघ के ये लगातार 3 बार अध्यक्ष रहे और राष्ट्रीय प्रवक्ता के रूप में भी इन्होंने काम किया, और जैन मुनियों का सानिध्य इनको बहुत मिलता रहा है। और अभी मैंने जो इनसे महसूस किया है कि ये महीने में 4 दिन व्रत रखते हैं और उस व्रत में अपना फोन और कोई ऐसी ऐश्वर्यता की चीज यूज नहीं करते और खाली पानी, मेरे ख्याल में पानी भी नहीं लेते हैं। 4 दिन जब भी कोई काम होता तो पहले बोलते थे कल मैं व्रत पे रहूंगा, कल आपसे संपर्क नहीं हो पाएगा, तो ऐसी ये साधना भी करते हैं। और जो मूढ़पुर आश्रम इन्होंने स्थापित किया वो भी अपने आप में एक ईश्वरीय संयोग रहा। ये हमारे विनय गुप्ता जी है, उन्होंने इनको अपना अगर आश्रम पूर्ण में एक प्रोग्राम था उसके लिए आमंत्रित किया, ये उस प्रोग्राम में नहीं आ सके, लेकिन उसके बाद ये एक दिन पूर्ण आश्रम में आए और इन्होंने देखा कि पूर्ण आश्रम में क्या सेवा होती है। उसके बाद हमारे वहां पर रामपाल बागड़ी जी, अशोक बंसल जी और मैं भी था उस समय, तो उनको बताया कि भी आप एक बार भरतपुर जाओ, वहां देखो, डॉक्टर साहब से मिलो। इन्होंने तुरंत वहां भरतपुर जाने का प्रोग्राम बना लिया, ये और इनकी धर्मपत्नी श्रीमती नीता जैन जी दोनों गए भरतपुर और डॉक्टर साहब से मिले, वहां देखा कि ये तो सेवा का अद्भुत कार्य हो रहा है। तो इनके मन के अंदर भाव आया कि हमारे पास मूढ़पुर में एक ये भवन पड़ा है तो क्यों ना इस सेवा के लिए लगा दिया जाए। ये भाव रख के और वहां से चल दिए और मथुरा के पास आ गए। मथुरा के पास आने के बाद इन्होंने अपनी श्रीमती से शेयर किया कि भी ऐसे ऐसे ये भाव आए हैं, तो श्रीमती जी ने बताया कि आपके अंदर ये भाव आए हैं तो आप तुरंत ही कन्फर्म क्यों नहीं कर देते डॉक्टर साहब को, क्या पता दिल्ली जाऊं पहुंचे या नहीं पहुंचे, और दिल्ली जाकर बच्चे माने या न माने, तो जो काम अभी मन में आया है उसको यूं पूरा कर दो। ये मथुरा से फिर वापसी भरतपुर अपना घर आश्रम में गए और डॉक्टर साहब को बोले कि डॉक्टर साहब ऐसे ऐसे हमारे पास ये भवन है, हम इसके सेवा में लगाना चाहते हैं अपना घर आश्रम के माध्यम से। तो उसके 2 दिन बाद डॉक्टर साहब आ गए और भरतपुर आश्रम देखा। और यदि आप आज्ञा दे तो एक संयोग और बताऊंगा उसका, जो आज अपना घर आश्रम बूढ़पुर में महिला प्रभु जी की सेवा हो रही है, यही भवन 2 साल पहले, उससे 2014 से 2 साल पहले हमारे पूछ के साथी नया अपना घर आश्रम खोलने के लिए देखने गए थे, लेकिन उस समय वो बजट में नहीं बैठ रहा था तो छोड़ के आ गए थे। उसके बाद संयोग देखो कि नरेश जैन जी ने वो भवन ले लिया और उसके बाद नरेश जैन जी का अपना घर आश्रम में आना हुआ और उसके बाद नरेश जैन जी के माध्यम से ये
अपना घर आश्रम मुदपुर महिलाओं की सेवा के लिए शुरू हो गया 16 नवंबर 2014 को, जहां पर 250 महिलाओं की सेवा हो रही है। तो मैंने तो जो नरेश जैन जी में पाया है, एक तो उनमें नम्रता कमाल की है और किसी भी विषय पर समझ जो है ना बहुत गहरी है। तो ऐसे हमारे बड़े भाई नरेश जैन जी है। मैं आग्रह करूंगा कि हमारे प्रधान जी राजेश चेतन जी दो शब्द नरेश जैन जी के बारे में कहें। राजेश जी उपस्थित हैं भी आप? अभी शायद वॉक कर रहे थे भाई साहब, शायद संपर्क नहीं हुआ है उनसे। हमारे बीच अशोक बंसल जी है, उनको 2 मिनट का समय दीजिए नरेश जयंती के बारे में वो बताएंगे, क्योंकि मेरे से भी ज्यादा पुराना परिचय उनका है। अशोक बंसल जी आप अपने आप को अनम्यूट कर लीजिए। बंसल जी लेफ्ट कर गए हैं शायद। जी राजेश जी आ गए हैं जी। मैं तो आ गया हूँ, अशोक बंसल जी नहीं है। अच्छा जी, आइए एक बार पुनः नरेश जैन जी का स्वागत है। और भाई साहब लास्ट के 5-7 मिनट जो है सवाल जवाब के लिए होते हैं, तो उसके अनुसार आप अपना व्याख्यान शुरू करें, क्योंकि सब लोग आपके अनुभव से जानना भी चाहेंगे, उनकी जिज्ञासाएं भी आप ले लीजिएगा। धन्यवाद, आपका स्वागत। बाबर जी अशोक बंसल जी को फोन करके एक बार बोलिए, जो कनेक्ट हो जाएंगे क्योंकि हम भी सुनना चाहेंगे, उनके दो मिनट उनको जरूर देंगे, तो आप उनको भी कनेक्ट कर लीजिए। तब तक हम चाहेंगे नरेश जैन साहब अपनी बात शुरू करें। ठीक है भाई, नरेश जैन जी का स्वागत कैसे करेंगे? आप लोगों को तो अब 35 क्लास के बाद पता चल जाना चाहिए था, ये उंगलियां भगवान ने जो दी है ये किसी की तारीफ करने के लिए दी है, चैट बॉक्स आपके लिए है, उस चैट बॉक्स का उपयोग कीजिए, 2 पंक्तियां लिखिए। आप भी चाहते हैं कोई आपकी तारीफ करे तो दूसरे भी चाहते हैं कि आप उनकी तारीफ करें, स्वागत करने में क्या जाता है, प्लीज सब लिखिए। जी नरेश जी आप स्वागत, आप शुरू कर सकते हैं। आप सभी श्रोताओं का को मेरा प्रणाम, मेरा नमस्कार, जय जिनेन्द्र। आज का जो प्रोग्राम, आज के जो वक्तव्य है वो जियो और जीने दो पे है। जियो और जीने दो, ये भगवान महावीर का सिद्धांत दिया हुआ, अहिंसा परमो धर्म, अहिंसा परमो धर्म के ऊपर भगवान महावीर ने पूरे धर्म की जो है व्याख्या की। हकीकत में देखा जाए तो बुद्ध हो, महावीर हो, राम हो, श्री कृष्ण हो, जितने भी संत महंत और जितने भी हमारे ऋषि मुनि हुए इस धरती पर आर्य भूमि के ऊपर, सभी ने जियो और जीने दो का संदेश दिया। बहुत ही अच्छा है ये संदेश, क्योंकि जीने देंगे तो जी सकेंगे, जीने देंगे तो जी सकेंगे। यदि हमारा भाव ना जीने देने का होगा तो सामने वाले जीव का भी भाव हमारे प्रति ना जीने देने का होगा। जियो और जीने दो के संदेश के अंदर सबसे बड़ी बात यह है कि हमें पूरी सृष्टि के प्रति अनुकंपा, दया और सेवा का भाव होना चाहिए, और हमारी हर तरीके से उनके प्रति जो है इतनी सरलता होनी चाहिए कि किसी भी जीव को तकलीफ ना हो। आज के जो हालात हैं हम देख रहे हैं चारों तरफ, जो लौट करके आ रहा है, आज का रोना करोना बन गया है, घर घर दुख, घर घर तकलीफ, घर घर आज परेशान हो रहे हैं हम लोग। उसका कोई कारण है, वजह है, हम लोगों ने बहुत ज्यादा धृष्टता की, पूरे विश्व के अंदर इतना उच्छृंखलता मच गई, सभी पाप के रास्ते चल पड़े। हकीकत पूछो तो अधिक से अधिक जीने दो के अंदर मतलब परेशानी कर दी गई। इतना ऊंचे ऊंची हुंकार भरने वाले अमेरिका, चाइना, आज किम जोंग पूरे विश्व को खा जाऊं, आज इतनी बुरी तरीके से चारों तरफ हाहाकार मचा दिया है, इतने हल्ला मचा दिया और एक दूसरे को खत्म करने के अंदर अपनी पूरी जुगत लगा दी। कोई बना रहा है, कोई हवाई जहाज बना रहा है, कोई राइफल राफेल ला रहा है, हर तरीके से चारों तरफ से उन्होंने जो है हालात मचाए, उसकी वजह से आज सब आतंकित हैं, डरे हुए हैं। इन्हीं सारी श्रृंखला के अंदर ये जैविक युद्ध के हिसाब से आज जो वुहान शहर से जो सुनते हैं कि ये वायरस फैला, उसकी वजह क्या, पूरी पाप की भूमि बन गई जहां पे सैकड़ों प्रकार के जानवरों के मांस बेचे जाते हैं,
उनकी बोटी बोटी उखाड़ी जाती, पूरे विश्व को परोसा जाता है। इस तरीके के हालात बने, वहां से ही ये जैविक जो हथियार है ये पैदा हुआ, वहां से फैलाया गया। आज उनका भी यही फैलाने का तो भाव नहीं था, क्योंकि वो तो इस तरीके से अटैक करना चाहते हैं, कहते तीसरा विश्व युद्ध जो है इसी आधार के ऊपर होगा। भगवान महावीर ने जीव और जीनोत्व के सिद्धांत के अंदर एक एक जीव की रक्षा करने के लिए बोला, पृथ्वी का है, अप का है, तेव का है, वायु का है। आज जितने त्रियन चौथी योनि हैं, जितनी सृष्टि के अंदर जितने जीव हैं, आज वनस्पति भी है, उसकी भी रक्षा करने का हमारा कर्तव्य बनता है। जीव और जीने दो के अंदर अगर हम किसी की भी हदों के अंदर घुस जाते हैं और उस हद को घुस कर करके हम उनको परेशान करते हैं, तो उसका लौट करके हमारे ऊपर उसका प्रतिबिंब वापस पड़ता ही है। मैं एक छोटी सी बात बताता हूँ। मेरे एक मित्र चावला साहब थे, अपने ज्वेलरी मार्केट के अंदर ही करोल बाग के अंदर वो बीमार हो गए, हॉस्पिटलाइज हुए, मरणान तक उनकी मतलब स्थिति बनी, और एक महीने के बाद में उनका वापस शोरूम पे आना हुआ। जब वो शोरूम पे आए तो मुझे बोले कि नरेश जी, बहुत मतलब जिंदगी और मौत की लड़ाई के अंदर मौत को हरा करके आया हूं, लेकिन मैं वहां पे ये सोचा करता था कि भगवान मुझे किस बात की सजा दे रहा है, भगवान मुझे किस बात की सजा दे रहा है, मैंने तो जिंदगी में कोई भूल ही नहीं की। आज ये जो हालात बने हैं, मैं जो इतना दुख पाया और तिल तिल करके मरा हूं, मेरे को बहुत वेदना हुई। अचानक प्रति प्रश्न के अंदर मैंने तुरंत बोला कि भाई साहब एक बात तो बताओ। बोले क्या? मैंने कहा भैया आप मांस खाते हो क्या? आप नॉन वेजिटेरियन हो या शाकाहारी हो? तो उन्होंने कहा मैं नॉन वेजिटेरियन हूं, हाँ मैं मांस तो खाता हूं। मेरे मुंह से यकायक यही निकला कि भाई साहब आप कहते हो भगवान से ये पूछते हो कि मेरी कोई गलती है क्या, मेरा कोई दोष है क्या, मैंने कोई भूल की है क्या? एक बात बताइए कि आप जीवों को काट के मार के तल के भुन के पका करके खा गए और उसका स्वाद भी लिया, आनंद मनाया, जब उनको तकलीफ पहुंचाई, उनको ये कौन थे, ये प्रभु के बंदे ही थे, उसी प्रभु के बंदे से, प्रभु के बंदों के लिए आप फिर पूछते हो प्रभु से कि मैंने क्या भूल की? भाई साहब आपको तो सिर्फ तकलीफ शरीर की हुई, दर्द हुआ, उस दर्द से आप इतने विचलित हो गए और सामने वाले जीवों को आप प्लेट में परोस करके खा गए, फिर भी आप ये सोचते हो कि मेरा दुख और दर्द ज्यादा था। हकीकत में ये जो श्रृंखला है, ये जैसा बीज बोया जाता है उसी तरीके का हमें फल मिलता है। आप देखिए कि आपने उन्हें जो कष्ट पहुंचाया है और उसके बदले में प्रतिफल जो आपको मिला है वो राई मात्र है। पहाड़ जितना पाप तो हमारा अभी शेष है, हमारे हर कृत के अंदर पाप की ऐसी ही बीज की रोपण है। अगर हम इस तरीके के बीजारोपण करते हैं, वापस वो जब इस तरीके की बात को सुने तो बोले हाँ ये तो मैं करता था, हाँ ये तो बड़ी सोचने वाली बात है कि मुझे इतनी कष्ट हुई तो उनको कितना कष्ट हुआ होगा। एनी हाउ वो कन्विंस हुए, उनके मन में ये भाव आया कि चलो नरेश जी आज से मैं ये मांसाहार छोड़ देता हूं। उनका एक प्रश्न था, उन्होंने मुझे बोला कि ये तो बताओ कि सृष्टि ने आखिर मांस बनाया तो खाने के लिए ही है, नहीं तो अगर हम लोग मांस नहीं खाते तो इतना बड़ा विश्व का भोजन कैसे पूर्ति होती? आज शाकाहार के साथ में इतना बड़ा मांसाहार का जो आहार है वो आहार नहीं होता तो ये सृष्टि कैसे चलेगी? एक ही बात कही मैंने, कहा भाई साहब सृष्टि का ठेका अपने ऊपर मत लीजिए, सृष्टि सारी बैलेंसिंग करती है, बैलेंसिंग इस तरीके से करती है, हर काम अपने आप से हो रहा है। अगर आप इस तरीके से हदें पार करके दूसरों की हदों में घुसोगे, आज जो है बिल्ली है, बंदर है, कुत्ता है, गाय है, भैंस है, गाय घास खाती है, कबूतर दाना खाता है, हाथी भी अपना भोजन करता है, बंदर चने खा लेता है, शेर मांस खाता है, जरूर खाता है, लेकिन वो भी अपनी उदर पूर्ति से बाहर नहीं जाता, अपनी उदर पूर्ति हुई नहीं और उसके बाद में वो शांत बैठ जाता है। मनुष्य ही एक ऐसा है, मनुष्य ही एक ऐसा है कि जो सभी की हदों में घुस जाता है, वो जब खाने बैठता है तो खाते खाते वो जीवों के शरीरों को खाने को बैठ जाता है, वो दुनिया भर की वैरायटी ऑफ मीट्स खाना चाहता है, इस तरीके के उसकी जो है लालसा हो जाती है, इतनी उच्छृंखलता उसके मन में मच जाती है। आज जो ये वुहान का जो केस हुआ या पूरे विश्व के अंदर जो हुआ, उसके अंदर ये जो बात है, ये हमारे पाप की पराकाष्ठा ही हमारे पास लौट कर आ रही है। लोग कहेंगे यार हम तो मांसाहारी नहीं है, हमारे ऊपर इस तरीके का ये इस तरीके का लौट के क्यों आ रहा है? हकीकत में देखा जाए तो हम भी किसी न किसी तरीके से येन प्रकार हम इस चीज के अंदर जुड़े हुए ही है। हम उनके मांस का चमड़ा यूज करते हैं,
हम उनके मांस की सराहना करते हैं, हम सुंदर सुंदर पर्स लेते हैं, एक्सेसरीज लेते हैं, हमें खुशी होती है कि हमने सांप के मांस का, सांप के चमड़ी का पर्स लिया है, हमने जूते पहने हैं, इतनी खुशी मनाते हैं। हम आज मन से, वचन से, काया से किसी ना किसी तरीके से हिंसा के अंदर जुड़ जाते हैं। हमें शौक है 1,00,000 रुपए का पर्स लेने का, 1,25,00,000 रुपए का पर्स लेने का, लेकिन ये विचार नहीं करते कि ये पर्स बना कैसे। अगर उस सुंदरता के लिए और हाथ के अंदर अपने आप को खूबसूरती दिखाने के लिए या इस तरीके से है, तो हम अपनी माँ तक का सौदा कर लेते हैं। हम गाय तक के मांस का काफ लेदर का जूता पहनने को तैयार हो जाते हैं, हम फर लेदर की जो है टी शर्ट और अपनी जो है जर्सी पहनने को तैयार हो जाते हैं। इस तरीके की जो हम उल्टे में अनजाने में जिस तरीके के पाप की श्रृंखलाओं के अंदर हम जुड़ जाते हैं, हकीकत में पूछो जाने अनजाने के अंदर आज हम लेदर की सीट के ऊपर बैठते हैं, सोफे बनाते हैं, एक एक बात के अंदर हमारी हिंसाएं जुड़ी हुई हैं। आज हम जो है एक बार जो है यूज करते हैं, पेड़ों को काट देते हैं, जंगलों को जला डालते हैं, आज उस लकड़ी से हम कितना कागज बना रहे हैं, अफवाह कर रहे हैं, चारों तरफ घमासान मचा दिया है। पहले का जमाना था, हम शांत बैठे थे, प्रशांत बैठे थे, अपने अपने गांवों में, अपने गांवों में, अपने उसमें बैठे थे, हमारे इस तरीके की इच्छाएं नहीं थी, लालसाएं नहीं थी, हमारी महत्वाकांक्षाएं बहुत बढ़ गई, महत्वाकांक्षाएं बड़ी, इसकी वजह से हमने दर अपव्यय शुरू कर दिया, इतना अपव्यय शुरू कर दिया, इतना ज्यादा कंजम्पशन शुरू कर दिया कि हम प्रकृति का दोहन करने में लग गए। चारों तरफ देखिए, नदियों को सुखा रहे हैं, समुद्रों को सोख रहे हैं, पहाड़ों को तोड़ रहे हैं, चट्टानों को काट रहे हैं, हमने पूरी प्रकृति में विध्वंस मचा दिया। ये प्रकृति के अंदर जो विध्वंस मचाया है, सही पूछो तो जीवो और जीने दो की अपेक्षा के अंदर यह भी आता है। आज जीवन पृथ्वी में भी है, आज पहाड़ों के अंदर, खनिजों के अंदर, जो खनिज जो वापस आज खाने भर जाती हैं, तो जीव होने की वजह से ही भरती हैं। भगवान महावीर ने पृथ्वी के अंदर भी जीव बताया है, अग्नि में जीव बताया है, पानी में जीव बताया है, और वो सब सिद्ध भी हुआ। वनस्पति में आज से 50 साल पहले साइंस जीव नहीं मानती थी, उसके बाद में मानना शुरू किया। बोलो गीत चलाओ, संगीत चलाओ, पेड़ खुश होते हैं, आज इतने ये वृद्धि कर रहे हैं, वृक्ष बढ़ते हैं, इस तरीके की ये बातें हैं। हमने उन सभी चीजों का दोहन किया, हमने कीटनाशक लाए, कीटनाशक ला करके जीवों को मारना शुरू किया, जीव खत्म हो रहे हैं। आज इतने इस तरीके से जीव जो प्रकृति थी उसने अपने आप बैलेंसिंग की हुई थी, आज वही जीव उस तरीके के उत्पादन करते, खाद का उत्पादन करते थे, हमें अच्छा शुद्ध भोजन खाने को मिलता था। आज हम जो खाना खा रहे हैं उसमें पेस्टिसाइड डला हुआ है, कैंसर हमारे पास में लौट के आ रहा है। हमने जीने नहीं दिया, हमारा जीने का हक खत्म हो गया, हमारा जीने का हक खत्म होता जा रहा है। इस तरीके के जो हालात हम बना रहे हैं, हकीकत में पूछो हम अपना ही नुकसान कर रहे हैं। जियो और जीने दो को छोड़ो, मरो और मारने की भी बात नहीं है। मारोगे तो मरना होगा, मरने के अंदर भी आज हम अपने आप को भी मारते हैं, तो ये भी तो पाप ही है। क्या आत्महत्या करना अलाउड है? क्या हम परेशान हैं, बीमार भी हो गए हैं, तो क्या हम अपने आप को जहर का इंजेक्शन दे सकते हैं? वो तक वर्जित है, तो मारने का अधिकार हमें कहां से मिलेगा? हम आज इस तरीके से जो अपनी जिह्वा लिप्सा की वजह से मांसाहारी बन रहे हैं, आज जैनियों की बात करें, हम अग्रवाल और ओसवाल की बात करें, हम शाकाहारियों की बात करें, इस भारत भूमि की बात करें, हम सब यूरोप की तरफ भाग रहे हैं। यूरोपियन होकर के हम खुद भी उसी तरीके के मांस में, मदिरा में, वैश्यागमन में, सातों प्रकार के कुव्यसनों में, जुए में, हर तरीके की इस तरीके की प्रवृत्तियों में बढ़ते चले जा रहे हैं। ये प्रवृत्ति हमें हर तरीके से नुकसान में ही डाल रही है, हम जो है अपना नुकसान ही कर रहे हैं। आज हम मांस खाते हैं, मांस खाने के लिए मांस की चीजों के अंदर, उसके उपयोग के अंदर हम बढ़ गए। इस तरीके से बढ़ने से ये तो सोचो कि ये मांसाहारी मांस खाता कैसे है। उस मांस खाने की बात आज हम सबके बीच में इसलिए करनी पड़ रही है कि हमारे ये जो ना जीने देने की जो प्रवृत्ति के अंदर आ गई कि हमारी जिह्वा की संतुष्टि होनी चाहिए। ये मैकडोनल्ड, ये पिज्जा हट, आज ये जितने भी कंपनियां बाहर की आ गई, KFC वगैरह आ गई, ये जगह जगह मांस परोस रही है, रेस्टोरेंट बना रही है, हमारे बच्चे इनमें जाकर के खा रहे हैं। शुरुआत हो गई, शुरुआत होते के होते धीरे धीरे वो उसके अंदर संलिप्त हो जाते हैं। हमारी ये जो प्रवृत्ति है आज, इससे हमारी इम्यून पावर खत्म हो रही। हम जो ये देखते हैं, हम जब ब्लड ग्रुप भी अपना मिलाते हैं तो हम ब्लड ग्रुप मिला करके ब्लड लेते हैं, हम जो है किडनी लेते हैं, लीवर का भी ट्रांसप्लांट कराते हैं तो उसके अंदर मैचिंग करते हैं, लेकिन जब मांस खाते हैं तब मैचिंग कहाँ चली जाती है? किसी का भी मांस खाते हैं, सड़े गले जीवों का मांस खाते हैं,
कैंसर जीवों का मार खाते हैं। बाजार में बूढ़े बुजुर्ग इतने हालात खराब वाले जीवों का मांस बाजार में परोसा जाता है, तब विचार नहीं आता है। आज शमशान पटे पड़े हैं कोरोना की वजह से, शमशान पटे हुए हैं, लोगों को खौफ है, लोगों को डर लगता है, लेकिन अपने पेट के ऊपर शमशान लटका करके घूम रहे हैं, उन मृत जानवरों को अपने पेट के अंदर डाल देते हैं। ये बौद्धिक जो अपनी गिरावट आई है इसके अंदर, ये मात्र जैन की बात नहीं है, अहिंसा परमो धर्म की बात है, जीव और जीने दो की बात है, हर किसी को इस चीज के अंदर सोचना ही होगा। मैं तो ये तक कहता हूं कि अपना जो खाना भी हम खाते हैं, हमें अधिकार नहीं है, हमें अधिकार नहीं है कि हम व्यर्थ का खाना भी व्यर्थ कर दें, खाना भी व्यर्थ कर दें, क्योंकि शाकाहार का खाना भी हमें हमारे निमित्त जितना ही खाने का अधिकार है। एक छोटी सी बात बताता हूं, आज हम जल है, उस जल का कितना अपव्यय कर रहे हैं। जल में जीवन है, जल हमारा जीवन है, उससे हमारी जिंदगी है। हम जल के अंदर आज कितना, पहले जब गांवों में रहते थे तो हम पानी पीते थे, हमारे को एक छोटे से टांके के अंदर पानी होता था, नहाने को थोड़ा सा पानी मिलता था, लोग टॉयलेट जाते थे तो एक लोटा पानी ले लेते थे, इतने से पानी में हमारा काम चल जाता था। आज एक एक व्यक्ति एक एक बार बाथरूम जाता है, 10-10 बार उसके अंदर सेवर के अंदर पानी को बहाता है। आज नहाने जाता है तो घंटों को नहाने के अंदर पानी बर्बाद कर देते हैं। जल है तो कल है, आज हम अपने गुनाहगार बनने को जा रहे हैं, हम अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों का जल साफ कर रहे हैं। एक छोटी सी घटना, इलाहाबाद के अंदर गांधी जी बैठे हुए दातुन कर रहे थे, कुल्ला कर रहे थे। जब वो कुल्ला कर रहे थे तो कुल्ला करते करते वो पानी, एक गिलास जो था वो खत्म हो गया। पानी खत्म हुआ तो उनके मुंह से बोला निकला कि धत तेरे की, पानी खत्म हो गया और कुल्ला बाकी है। पास में नेहरू जी बैठे थे, नेहरू जी ने कहा कि बापू क्यों, क्या चिंता है, लाओ गिलास मुझे दो, यहाँ तो त्रिवेणी बहती है, 3-3 नदियों का संगम है, मैं एक गिलास पानी ले आता हूं। और उन्होंने गिलास उठा लिया, उठाते ही बापू ने वो गिलास वापिस हाथ से खींच लिया, बोले ये जो जल, ये जो गंगा, ये जो नदियां, ये जो तीनों त्रिवेणी है, ये मेरे बाप की बपौती नहीं है, नेहरू मैंने मेरे हक का पानी ले लिया है, अब मुझे अधिकार नहीं और पानी लेने का। उन्होंने वह कुल्ला वहीं पे समाप्त कर दिया। बात छोटी सी है, संदेश बहुत बड़ा है कि हमें प्रकृति के संसाधनों को नष्ट करने का भी अधिकार नहीं है। हमें प्रकृति ने जो अपने जितने भी संसाधन दिए हैं अपनी आवश्यकता पूर्ति के लिए दिए हैं, अपव्यय के लिए नहीं दिए हैं। आप देखिए कि जितने भी संसाधन हैं वो भी जीवों का पिंड है। आप अगर पेड़ों से लकड़ी लेते हो तो पेड़ों में प्राण है, आप पानी लेते हो तो पानी में प्राण है, आप धातुओं का उपयोग करते तो उनमें प्राण है। तो हमें इस बात का ख्याल ही रखना होगा कि जीव मात्र का, सृष्टि मात्र का हमें जो है उनके प्रति, उनके जीवन के प्रति हमें ख्याल करना होगा। परस्परो ग्रहो जीवानाम, हर जीवन के साथ में हमें परस्पर संबंध बना करके रखना है। आज एक छोटी सी बात, एक अंग्रेज था, वो नदी समुद्र के किनारे टहल रहा था। जब वो समुद्र के किनारे समुद्र की लहरें आती थी तो सैकड़ों हजारों मछलियां उसमें बहती हुई चली आ जाती थी, और पानी वापस लौटता तो काफी मछलियां उस रेत में तड़फड़ाती थी। वो चल रहा था, चलते चलते उसने मछलियों को देखा और मछलियों को, तड़फती मछलियों को उठा उठा के पानी में डालता था और अपनी मॉर्निंग वॉक भी करता जा रहा था। चलता जा रहा था, मॉर्निंग वॉक करता था, झुकता था, मछली को पानी में फेंक देता था। उसके पीछे एक और अंग्रेज चल रहा था, उसने ये देखा कि भाई तू ये कर क्या रहा है। उसने जवाब नहीं दिया, 2-3 बार पूछने के ऊपर बाद में बोला कि तेरे इस तरीके से मछली को फेंक देने से क्या फायदा, तू इस मछलियों को फेंक देगा, यहां तो हजारों मछलियां हैं, इससे क्या फर्क पड़ेगा। उस अंग्रेज ने बड़ा सुंदर जवाब दिया कि किसी को फर्क पड़े ना पड़े, लेकिन इस मछली को फर्क पड़ता है, इस मछली को जीवन मिलता है। बात सिर्फ इतनी सी है कि ये मत सोचना कि मेरे करने से क्या फर्क पड़ेगा, आपके हमारे सबके करने से फर्क पड़ेगा। एक एक करने से, कहते हैं कि एक एक बूंद से घड़ा भरता है, एक एक ईंट से मकान बनता है। आज स्वच्छ भारत की बात आती है, स्वच्छ भारत, मोदी जी ने कहा स्वच्छ भारत, पूरा हिंदुस्तान साफ होना चाहिए, कहीं कूड़ा नजर नहीं आना चाहिए, कहीं गंद नजर नहीं आना चाहिए, हमें सफाई रखनी है। तो क्या मोदी जी झाड़ू लगाएंगे? नहीं,
आपको हमको सबको कहीं कूड़ा नजर नहीं आना चाहिए, कहीं गंद नजर नहीं आना चाहिए, हमें सफाई रखना भी हमारे, तो क्या मोदी जी झाड़ू लगाएंगे? जब ये भाव हमारे अंदर जागेगा, सबको कहीं कूड़ा नजर नहीं आना चाहिए, कहीं गंद नजर नहीं आना चाहिए, हमें सफाई रखना भी हमारे, तो क्या मोदी जी झाड़ू लगाएंगे? जब ये भाव हमारे इस काम के अंदर देना होगा, हमारे अपने आप की एकजुटता दिखानी होगी। हकीकत में अगर हमें खुद को सुरक्षित रहना है, खुद को जीना है, तो जीने देना होगा। इतनी ऊंची ऊंची हुकार भरने वाले जीवों का आज क्या हाल हो रहा है? आज वो सारे के सारे बिल के अंदर घुसे बैठे हैं। आज अमेरिका क्या कर बैठा, आज चाइना क्या कर बैठा, आज कोरिया क्या कर बैठा, आज पूरा विश्व क्या कर रहा है? सारे के सारे इतनी बड़ी आवाज करने वाले, दूसरों को तहस नहस खत्म कर देने वाले, एक छोटे से वायरस से डर गए और वायरस से डर के दुबक करके बैठे हैं, दुबक करके बैठे हैं। किसी को वायरस को खत्म करने के लिए ये ताकत नहीं है, वो उसका मतलब उसकी शोध कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं, अभी तक हाथ नहीं लगा है। अमेरिका जहां एक दो मौत, तीन मौत हो जाए जिससे वो घबरा उठते हैं, लेकिन आज लाखों मौतें हो, लाखों मौतें होने के बाद में चुप भी साधे बैठे हुए हैं। इतना विध्वंस मचा देने के बाद में प्रतिफल के अंदर यही हालात बनने वाले हैं, और हालात क्यों बन रहे हैं इसके पीछे आपको हमको सोचना ही होगा, हमें इस चीज के अंदर जुड़ना ही होगा कि नहीं, हमें इस हिंसाओं से बचना है। आज डॉक्टर जो है इतनी दवाइयां बना ली, इतना दवा के बाद में शोध कर लिया, और कोरोना के नाम के ऊपर कहते हैं कि भाई हमारी दवाएं फेल हैं, सिर्फ दुआ 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 ही काम आएगी। ऐसी दुआ का संरचना हम चारों तरफ करें, दुआ इस तरीके की हो कि हमारा कर्म ही इतना सुंदर हो कि हम इस तरीके के पाप के अंदर ही नहीं जाएं। अरे मांस खाते हो, मांस खाते हो, और चावला साहब पूछते हैं कि मैंने क्या गुनाह किया, उसके जवाब के अंदर आज मान लीजिए बकरा जो है, बकरा क्या खाता है? बकरा पाती खात है, वाकी काली काड़ी खाल, जो बकरे को खात है वाकी कौन बसात। अरे जो बकरे को खाएगा उसका क्या हाल होगा? जब वो बकरा घास खाता था तो उसकी खाल निकाल दी गई। हम भी जिस तरीके से पाप कर्मों के अंदर, जीवों की हिंसा के अंदर जाएंगे, तो हमें वापस उसका लौट करके प्रतिफल मिलना ही है। एक बाल उखाड़ने की ताकत हमारे अंदर नहीं होती, हमारे को तकलीफ होती है। मैं कहता हूं मांस खा सकते हैं, मैं कहता हूं आप चमड़े का प्रयोग कर सकते हैं, आप जूते काफ लेदर के पहन सकते हैं, आप ऊंची ऊंची चीजें यूज कर सकते हैं, लेकिन ये काम तब करना जब अपनी शरीर की एक इंच की चमड़ी उखाड़ करके किसी के सामने पेश कर सको, एक नाखून उतार करके पेश कर सको। अगर वो हिम्मत नहीं है तो इसका उपयोग मत करना, क्योंकि सभी के लिए एक ही जैसी जो व्यवस्था बनी हुई है। बरसात होगी, आज एक एकड़ का फार्म है, एक एकड़ के फार्म में 20 प्रकार की क्यारियां लगी हुई हैं, 20 प्रकार की क्यारा के अंदर 20 प्रकार के बीज बोए गए। हकीकत है करेले के अंदर नींबू नहीं उगेगा, नींबू के पास में प्याज नहीं उगेगा, और जहां आम बोया गया है वहां आम ही उगने वाला है। इसलिए हमें आम की, अंगूर की, चीकू की, नाशपाती की, ऐसे सुंदर फूलों की, इतनी सुंदर व्यवस्था की हमने अपनी व्यवस्था में लाना है। हमें किसी भी प्रकार की हिंसाओं के अंदर नहीं अपने आप को डालना है। आज इतने पाप के अंदर अगर हम जाते हैं तो वापस लौट करके उन पापों को भोगने से तो अच्छा है कि हम जो है शांति से बैठ जाएं और बैठ करके अपना सात्विक जीवन जो प्रभु का द्वारा बताया गया मार्ग है उसको अपनाएं। आज जो है हालात क्या बने हैं, सड़कें हैं किलोमीटरों लंबी सड़कें हैं लेकिन उस पर चलने वाला कोई नहीं है, दुनिया भर का पेट्रोल पड़ा है लेकिन दौड़ने को गाड़ियां नहीं है। सजा क्या मिली? आज सारे के सारे लोग स्वयं से जेल में घुस करके बैठ गए। कारण उन्हें मालूम है कि हमने ऐसा पाप किया, उन्हें मालूम है कि हमने इतनी घटियापन किया, इतना हल्कापन किया जिसका आज हमें लौट कर करके ये मिल रहा है, तो शांति से बैठ गए। अब देखिए कि जो जेल है वो जेल बिना जाले की है और बिना ताले की है, लेकिन इंसान बाहर नहीं आ रहा क्योंकि मौत का डर। जीना चाहते हैं, मरना नहीं चाहते, तो जीना चाहते हैं तो जीने देने का भी तो काम करना ही होगा। आज वापस लौट करके वो हालात बने, आज इतनी फैक्ट्रियां हैं लेकिन उत्पादन करने वाला नहीं है, आज इतनी कंज्यूमेबल आइटम्स है लेकिन कोई खाने वाला नहीं। आज सब शांत हो गए, शांत होकर के सभी यही कह रहे कि हे प्रभु इस लीला को समेट ले, इस कोरोना को लपेट ले, इस कोरोना को खत्म कर ले। यानी कि ऐसा लगता है सब प्रायश्चित के मोड पे आ गए हैं, प्रायश्चित करना चाहते हैं, माफी मांगना चाहते हैं कि हम जो है अब इस हरकत के अंदर नहीं आएंगे। लेकिन ढाक के वही तीन पात, पहला वाला जो कोरोना निपटा था, कोरोना निपटने के बाद में क्या हम सुधर गए? नहीं। ये इंसान बहुत ही धोखेबाजी के अंदर चल देता है,
हकीकत में पूछो तो वो अपनी हदें फिर से पार करने लगता है। उस कोरोना के जाते के साथ में वही अय्याशी, वही होटलें, वही नाचना गाना, उसके बाद में शादियां बहना, आज इतने बड़े जलसे करना, राग द्वेष कलह इस तरीके के हालात करना, आज वापस लौट के कोरोना आ गया है। आज वापस लोगों के चेहरे झुके हुए हैं और इसी बात के ऊपर आगे कि नहीं नहीं हमें सब कुछ इस तरीके के कारण नहीं मनाने चाहिए, हमें सबको लिपट जाना चाहिए। लेकिन मुझे ये फिर मालूम है कि हम जो है अपने ऊपर काम करें, दुनिया तो हम नहीं सुधार पाएंगे, हम अपने खुद चप्पल पहन लें, सड़क के पत्थर हम नहीं हटा पाएंगे, हमें अपने आप को स्वयं को संवारना है। हम संवरेंगे विश्व संवर जाएगा, ये दुनिया वाकई स्वर्ग बन सकती है जब कि हमारा ऐसा भाव हो कि हम लोगों को जीने दें, जीवों को जीने दें, सृष्टि के साथ सामंजस्य भाव बनाए, परस्परो ग्रहो जीवा नाम के अंदर अपना जो है खूबसूरती को बनाए रखें। ऐसी स्थिति जब हमारी होगी तब जाकर के हम जो है अपने को सुरक्षित कर पाएंगे, अन्यथा ये सारे के सारे जो प्रवचन हैं, व्याख्यान हैं, प्रवक्ता बोलने वाले हैं, सुनने वाले हैं, हम वही कान के अंदर रुई डाल कर करके सबसे बैठ जाएंगे। उसकी जगह पे हमें चाहिए कि हम एक एक प्राण लें, एक एक अपने जीवन के अंदर संकल्प लें कि हम कल से ऐसा करेंगे। आज हमारे पास में बहुत पैसा पड़ा है, पैसा पड़ा है उसको उपयोग में लेना चाहिए। अधिक पैसा क्या काम आ रहा है, कोरोना के अंदर किस तरीके से आदमी की लाशें लपेट करके बोरी में डाल करके फेंकी जा रही हैं, करोड़ों अरबों रुपया छोड़ के चले जाएंगे, यानी कि इतनी सारी की हुई मेहनत ही बेकार थी। क्यों ना इसको हम जो समाज के काम के लिए लगाएं। आज जल की बात करें, जल की बात के ऊपर आ जाएं तो हम कहते हैं कि हम अपने से शुरू करें, हम क्यों फवारों भर नाली एक दातुन करते हैं तो जिसमें नल खोल करके हम छोड़ देते हैं, कैसे छोड़ देते हैं? क्या पानी की बूंद, एक एक बूंद कीमती नहीं है, ये हमें मालूम नहीं है? हमारा जो पानी पहले 5-10 फुट के ऊपर आ जाता था, 500 से 1000 फुट है, खजाने खाली हो रहे हैं। आगे आने वाली हमारी जो पीढ़ियां हैं वो हमें गालियां देंगी। हमें अपना 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 सहयोग देना ही होगा, हमें अपना कर्म करना ही होगा, हमें अपने हिस्से का पानी लेने के बाद में दूसरे का पानी, दूसरे का खाना, दूसरे की रोटी, दूसरे का पैसा नहीं लेना। आज हम अपने 100-100 करोड़ के 50-50 करोड़ के मकान बना लेते हैं, लोग सड़कों के ऊपर नालियों के अंदर रहने के हालातों के अंदर बैठे होते हैं, क्यों नहीं ये पैसा हम जो है लोगों के लिए खर्च करें, क्यों नहीं हम ये पानी हम अपनी जरूरतें जितना खर्चें, हम जितना अपना खाना खाते हैं, खाना खाने के बाद में लोगों के लिए वह खाना हम पेश कर दें। हर तरीके से जीवन जो है लोगों के साथ में जीवन बांट कर करके चलेंगे तो उससे हमारा जीवन सफल होगा। इस तरीके के संकल्प लेने से ही सच पूछो तो क्या ना मतलब जो है दुनिया सुखी हो सकेगी, जियो और जीने दो का संकल्प पूरा हो सकेगा। भगवान महावीर जो थे, भगवान महावीर खुद राजपाट के अधिकारी थे, खुद बहुत बड़े राजा थे, बावजूद उन्होंने देख लिया था कि निष्परिग्रही होना पड़ेगा, उन्हें अहिंसा व्रत लाए, उन्होंने अचौर्य का व्रत लाए, उन्होंने भ्रम की सीमा की, आज अपरिग्रह का अपरिग्रहवाद लाए। अपरिग्रहवाद के अंदर जो है सिर्फ इतना ही था कि जो है तू अपने आप को, आज हम एक कपड़ा पहनते हैं, एक कपड़े के बाद में हम 100-100 कपड़े भर कर करके क्या नाम मतलब जो है अलमारियां भर देते हैं, उसके पीछे कितना कपास, कितना कितना कितने कितने खेत, कितने कितने जमीन की हम जो है पानी की हम जो है बर्बादी करते हैं। पहले एक कुर्ता पजामा होता था, गांवों के अंदर हम बैठे होते थे, शहरों में बैठे होते थे, आज हम एक एक चीज का दुरुपयोग ही कर रहे हैं, रात को भी खा रहे हैं, दिन को भी खा रहे हैं, 24 घंटे खा रहे हैं, फिर कह रहे हैं अन्न की कमी हो गई। आज इस तरीके के हालात बनाने वाले हम खुद हैं और खुद बना कर करके हम जो है जो सृष्टि को मारने के काम में लगे, जी और जीने दो ना कर करके उनको मरने और मारने वाले काम में लगे, तो उसकी वजह से ही आज हमारा ये जो हालात बना है और इसकी वजह से ही हम लोग सब परेशान हुए हैं। आज एक बात जरा सी है कि तिलवर मांस खाए के करोड़ गऊदे दान, तिलवर मांस खाए के करोड़ गऊदे दान, उसका भाव ये है कि करोड़ गांव मतलब दान दे दें, उसके बाद में भी क्या नाम मतलब जो है काशी करवट ले मरे तो भी नरक निदान, नरक में ही जाना होगा, क्योंकि तिलवर मांस खाने का भी अधिकार नहीं है, तिल भर अन्न भी फालतू व्यस्त व्यर्थ करने का खराब नहीं। अगर हमारी थाली के अंदर अगर हम कुछ कण फालतू छोड़ देते तो उससे 100 कीड़ियों का पेट भरता है। ऐसा परस्पर ग्रह जीवा नाम के उद्देश्य से अगर हम काम करेंगे और उन लोगों को हम जो है हम हर जीव का ख्याल करेंगे तो हमारा पर्पस सॉल्व होगा। भगवान महावीर स्वामी का, अन्य संतों का, अन्य भगवानों का, अन्य सब संदेशों का सार सिर्फ यही है कि अपने आप को संकुचित करें,
सृष्टि को अपना जो है समतुल्य माने, ना दुख पहुंचाए, तो ना दुख पहुंचाने से हमें भी दुख ना आएगा, ऐसा सा मेरा भाव है। इतना ही कह कर के मैं अपने वक्तव्य को समाप्त करता हूं। जय जिनेंद्र। बहुत बहुत धन्यवाद नरेश जी, आपने तो आज माइंड ब्लोइंग बोल दिया। और आपने ये जो बात कही कि अपनी चिंता करो समाज क्या कर रहा है, निज पर शासन फिर अनुशासन, आज का पूरा वक्तव्य, सच में आदमी अपने अपने को सुधार ले तो पूरी सृष्टि सुधर सकती है। मैं दो तीन बातें आपसे पूछना चाहता हूँ। आपके परिचय में अपना घर आश्रम बूढ़पुर के आप संस्थापक हैं। आज का विषय तो जियो और जीने दो था, पर ये अपना घर आश्रम बनाने का ये पागलपन कैसे आ गया आपके अंदर? ये अच्छे भली दुकान चलाया करते थे करोल बाग में, ये कौन सा आपने धंधा शुरू कर दिया अपना घर आश्रम का? भाई साहब, बचपन के अंदर से ही पिताजी के संस्कार इस तरीके से मिले। मुझे याद है क्लॉथ मार्केट में हमारी दुकान हुआ करती थी, हम छोटे बच्चे थे तो दुकान पे थे, तो बाऊजी जो है बोरियां मंगा के रखते थे, ये जो मुरमुरे होते हैं मीठी खील और फीकी खील, और क्लॉथ मार्केट में सुबह से भिखारियों की भीड़ लग जाती थी, लाइन से आते रहते थे और एक एक मुट्ठी भर करके देने का जो है उन्होंने भाव पैदा किया। घूमने के लिए जाते थे तो बंदरों के लिए चने लेकर के जाते थे, और यमुना नदी मोरी गेट रहा करते थे कोई जमाने में, तो वहां जाते थे तो उनको खिलाया करते थे। जहां तक इस भाव की बात है अपना घर आश्रम के विषय में, मैं लाल किले से आ रहा था, लाल किले के पास में मैंने एक पूर्ण नग्न स्त्री, जो कि सर्दी के दिन थे, नवंबर जनवरी का दिन था, सर्दी के अंदर 9 बजे उकड़ू होकर के बैठी हुई थी। मेरी गाड़ी धीरे हुई, उसके पास धीरे हुई, धीरे होकर के मैंने उसकी जो स्थिति देखी, वो देख करके मेरा दिल बहुत रो पड़ा, लेकिन बावजूद उसके मैंने उसका कोई सहयोग नहीं किया। मेरी गाड़ी धीरे हुई, मेरी गाड़ी तेज हुई और मैं घर आ गया। घर आने के ऊपर मैं नाश्ता भी कर रहा था तो मेरे को वो स्त्री फिर से नजर आई कि यार मैंने उसके लिए कुछ किया नहीं, क्योंकि चाहे चिड़िया हो, कुत्ता हो, बिल्ली हो, उसके शेल्टर हाउस पहुंचाना, चाहे मेनका गांधी के यहाँ पहुंचाना, कहीं कुछ भी हो गया, उसका अपना सहयोग करने का मन में भाव रहता है। चूंकि बचपन से संस्कार पिताजी का ही जो एक दिया हुआ एक धन है जो कि अपने पास में है, तो मेरे को मन में भाव आया। और इतने में वो विनय गुप्ता जी का आना हो गया, विनय गुप्ता जी का फोन आया, भाई नरेश तेरे घर आना चाहता हूँ। तो मैंने कहा यार अभी कोई खास काम भाई साहब, मेरे को तो शोरूम जाना है और मैं ये प्रॉपर्टी के काम से जुड़े हुए थे, तो प्रॉपर्टी के मैंने कहा अभी कोई एजेंडा कुछ हो तो बोलो, तो बोले नहीं 5 मिनट चाय पीनी है आपके साथ, मैं चलो भाई साहब आ जाओ। उन्होंने आके मुझे ब्रोशर पकड़ाया तो मेरे जैसे कई मतलब जैसे मन खुश हो गया कि मैंने कहा यार ये तो जगह अच्छी है। और चांस की बात है कि प्रहलादपुर जैन कॉलोनी अपनी कॉलोनी है ही है, उससे आगे ऊंट है, तो मैं शाम को ही वहां पहुंच गया भाई साहब। वहां पहुंचा तो वहां की मैंने व्यवस्था देखी, तो मैंने कहा स्त्री की जगह तो यहाँ पे लगे, यहाँ तो सब कुछ। वहां पे किसी ने कहा कि देखो इनसे मिलो, ये यहाँ के जो है डॉक्टर साहब है। मैं डॉक्टर साहब से मिला, वो डॉक्टर साहब भारद्वाज जी ही थे। जब मैं उनसे मिला और मुझे संतुष्टि सी हुई तो फिर मैं भरतपुर चला गया। भरतपुर गया तो वहां पे किसी कैंसर की लड़की थी 22 साल की। अब वो लड़की को सुबह से शाम तक हमने देखा। हम गए थे कि हम जो है बर्ड सेंचुरी देखेंगे और भरतपुर के अंदर जो है 10-20 मिनट बिताएंगे। हमारा पूरा दिन वहां खप गया। शाम को जब निकलने लगे तो मैंने ये बिल्डिंग मैंने ली ही थी, लगभग 2200 गज की बिल्डिंग है ये, और तब ली ही थी और इसमें मेरा कुछ इंडस्ट्रियल कुछ भी लगाने का विचार था। मेरे मन में विचार आया कि ये जो काम अभी रजिस्ट्री कराई है तो ये अगर ये डॉक्टर साहब से क्यों अगर काम आती होगी तो अपन धर्मार्थ परमार्थ सेवार्थ कार्य के लिए इस काम को लगा देंगे करके, ऐसा सा भाव आया। तो बोला नहीं मैंने उनको, तो डॉक्टर साहब से कहा एक बार आप आइए। तो मैंने मेरी पत्नी से कहा कि भाई मेरे मन में ऐसी विचार आई है, और हम लोग वहां से चल दिए, रवाना हो गए। मेरी पत्नी इतना ही बोली कि एक काम करो, अगर आपके मन में भाव आया है ना तो पता नहीं दिल्ली पहुंचे ही ना पहुंचे, अभी के अभी डॉक्टर साहब को अपनी तरफ से दे दो, क्योंकि हम अगर अभी दे देंगे तो ज्यादा बेटर है, बाद में पता नहीं हम हो ना हो। बस इतना कहना हुआ, मैं डॉक्टर वापस नीचे उतरा, डॉक्टर साहब को वापस बुलाया, डॉक्टर साहब मुड़ चुके थे, वो वापिस आए। मैंने कहा डॉक्टर साहब हाथ आगे लाइए, उन्होंने अपना हाथ आगे लाके मैंने उनसे हाथ मिलाया, मिला के मैं डॉक्टर साहब आपको ये जो बिल्डिंग है ये धर्मार्थ परमार्थ सेवार्थ कार्य के लिए समर्पित है, अब आपका काम है, आपके काम आती हो तो ले लो और नहीं तो फिर बिल्डिंग हमारी है ही है। 2 दिन बाद तो उनका आना हुआ और फिर ये सावरमल जी से ही पता चला कि ये बिल्डिंग लेने 2 साल पहले आए थे, तब लोग उदास हुए थे और
भरतपुर मतलब भारद्वाज साहब ने ये कहा था कि देखो तुम अपनी सेवा करो और जो प्रभु जो है सारी व्यवस्था खुद कर देंगे, तो उसमें निमित्त मेरे को बनना होगा, मेरा कोई भाव नहीं, वो निमित्त मुझे बनाना था, प्रभु ने मुझे निमित्त बनाया और ऐसे जुड़ाव हो गया भाई साहब। लेकिन वहां की मतलब मन में सच पूछो तो किसी का भी दुख दर्द जो है वो अपना सा लगता है, अपना सा ही लगता है, और हर वक्त यही होता है कि महफिल तो हो यारों की पर बात हो हमारी, महफिल तो हो यारों की पर बात हो हमारी, इंसानियत की इस धरा पर कोई औकात हो हमारी, ए जिंदगी देने वाले ऐसी दे जिंदगी मुझे, आंसू तो हो गैरों के पर बात हो हमारी, आंसू तो हो गए, क्या बात है, आंख हो हमारी। ये बताइए, ये आप तो पागलपन के शिकार हो, पर ये ऐसी पत्नी कहां से ले आए आप? आपसे भी बड़ी पागल है वो। नहीं, वो पागल नहीं है भाई साहब, वो सच पूछो तो अनुकंपा की देवी है। क्या बात है ऊपर उनको भी, उनके भी दर्शन करें तो हमको अच्छा लगेगा अगर वो कैमरे पे आ जाएं तो। वो अभी अवेलेबल नहीं है, आज उनके उपवास है जो 24 घंटे उपवास रहेगा, इसके अंदर वो कल ही खुलेंगी उसके अंदर। मतलब बड़ी बात है, उन्होंने कहा कि अभी डिसीजन ले लो, दिल्ली पहुंचेंगे कि नहीं पहुंचेंगे, कितनी बड़ी बात कर दी उन्होंने, कमाल है आपका नरेश भाई, आप तो सच में मानवता के मसीहा हो। ये बताइए नरेश जी, एक तरफ व्यापारी हो एक तरफ राइटर हो, मैं आपकी किताब पढ़ रहा था, ये पुस्तक मेरे पास, आजकल मैं यही पढ़ रहा हूँ, ये आपकी पुस्तक मेरे पास है जी भाई साहब, आजकल मैं इस पुस्तक का पाठक हूँ, मैं एक साहित्यकार और कवि हूँ, तो ये पुस्तक पढ़ते पढ़ते मुझे लगा कि ये आदमी व्यापारी है कि लेखक है, और सच में ये तय करना बहुत कठिन है कि नरेश जैन एक बड़े राइटर हैं कि एक बड़े व्यापारी हैं कि एक बड़े बिल्डर हैं, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या है, क्या ये सारा जो मामला है नरेश भाई, इसके पीछे क्या क्या कहेंगे आप, क्या किस वजह से ये सब चीजें एक साथ इकट्ठी हो गई आपके साथ? भाई साहब ये भाग्य है, 54 रुपए में चल गई, ये 54 रुपए में चल गई, मैं साधारण सी अपनी बातें लिखा हूँ, इसके अंदर संस्मरण लिखे, जैसे मैंने अपने बहुजी की बात ही की, बहुजी ने हमें संस्कार दान दिया, संस्कार दान से बड़ा संस्कार दान होता है, उसका मैंने शर्ट का पहला बटन लिखा, शर्ट का पहला बटन लिखा, उसके अंदर मैंने एक बढ़िया शर्ट लेकर के आया था, और बटन जो है ऊंचा नीचा, मतलब ऊंचा नीचा था वो, क्या कि शर्ट बड़ी और छोटी थी, मैंने कहा इतनी बड़ी कंपनी इतनी बड़ी गलती कर सकती है, इतनी बड़ी कंपनी इतनी बड़ी गलती कर सकती है, एक मिनट के बाद में मुझे पता लगा कि गलती तो मेरी थी, पहला बटन गलत था, पहला बटन गलत था तो सब कुछ गलत हो गया, और हकीकत पहला बटन सही हो, अगर माँ बाप अच्छे हो, परिवार अच्छा हो, अपने को वातावरण अच्छा मिले, धर्म अच्छा मिले, और हम उस पर आचरण करने का अपना लक्ष्य बना लें, तो वास्तव में सब कुछ हो जाता है, ट्रेन अगर पहली वक्त में ऊपर लाइन के ऊपर सही चल जाए तो मुंबई तक पहुंच जाती है, नहीं तो लड़खड़ा करके 10-20-50-100-200 फुट में गिर जाती है, इतना ही सब कुछ, कुछ भी खास नहीं है, एकदम साधारण लिखा हुआ है, और साधारण से साधारण मैं जो बात करता हूँ मेरा लहजा एक ही है, मेरे को मतलब ऐसा लगता है जब संवेदना की बात होती है तो अंदर दिल तक छू जाती है, कोई अगर मान लो तकलीफ में है परेशानी में है तो ये लगता है कि उसकी तकलीफ अपनी है, जब उसको सुकून मिल जाता है तो अपने को सुकून मिल जाता है, तो हम उस पर कुछ भला नहीं करते, हम अपने ऊपर भला करते हैं सर। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। प्रमोद भैया जो सवाल पूछना चाहते हैं उनके सवाल ले लो। जी धन्यवाद राजेश जी, और जैसा कि नरेश जी ने बताया कि जो बचपन के संस्कार थे उनका बड़ा प्रभाव रहा, और उसी के कारण ये जो बहुआयामी जो व्यक्तित्व बन पाए। आइए हम सवाल लेते हैं। निर्मल सिंगल जी ने रेज हैंड कर रखा है, निर्मल जी निर्मल जी को अलाउ करिए जी, निर्मल जी बोलिए। निर्मल जी, मनीष गोयल जी, मनीष गोयल जी को अलाउ कर दो। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, हमने पहली बार ऐसा जैन बिल्डर देखा है जो प्रॉपर्टी को दान भी देता है, नहीं तो बिल्डर तो एक एक जमीन के कस को भी पैसों में तोल के बेचता है। ये पूछना चाहता हूँ, हकीकत भाई साहब देखा जाए तो ये बिल्डिंग बिल्ड की है, ये बिल्डिंग बिल्ड की है, ये दान नहीं है भाई साहब,
देन हर कोई और है, देत रहे तो दिन रात है, देने वाला तो कोई पीछे से है। एक दफा जो है ना, एक भिखारी ने मूली दान दे दी भाई साहब किसी को, जब वो मूली दी तो मूली खाने लगा तो पड़ोस में दूसरा भिखारी खड़ा था, तो उसने कहा यार मुझे दे दे, तो उसने लेके उसके पत्ते उसको दे दिए और उसने अहंकार किया, देख मैं भी, मेरे से भी लेने वाला कोई है। हकीकत में उसने उसके पत्ते दान दिए, तो ये तो दिया वो उसका है भाई साहब, आपने हमने क्या दे दिया, कुछ नहीं है। हकीकत में पूछा जाए तो ये तो हम लोग निमित्त बने, ये हमारी खुशनसीबी है, हम निमित्त बने ये हमारी खुशनसीबी है, प्रभु ने हमें माध्यम बनाया। और हम तो एक्चुअल में है ही तरीके से जो ट्रस्टी हैं, ट्रस्टी हैं, तो हमें उसे भोगने का अधिकार नहीं है, वास्तव में देखा जाए तो उसे बांटने का अधिकार है। हकीकत में हम गाली देते सरकार को, हम गाली देते नेताओं को कि नेता 50,000-100,000 रुपए की तनख्वाह और करोड़ों का मालिक हो गया, तो हम खुद भी तो यही करते हैं। प्रभु से हम लाख मांगते, 10 लाख मांगते, 10 करोड़ मांगते, 20 करोड़ मांग रहे, 30 करोड़ मांग रहे, जब वो हो जाता तो उसके बाद में साफ बन करके हम खुद भी तो बैठ जाते हैं, लौट करके हम अपने आप का अगर देखेंगे ना तो हम उतने बड़े चोर हम खुद हो जाते हैं। तो क्यों ना हम इस तरीके से अपने संस्कार को, हकीकत में अपने आप को बहुत बड़ा चोर मानता हूँ भाई साहब। मैंने अपना मॉडल टाउन में कोठी बनाई थी तो उस दिन मेरे मन में विचार आया था कि मैंने कितने लोगों का हक लूट लिया, कितने लोगों का हक लूट लिया। अगर इतने से एक एक लाख के अगर 10, 50, 100, 200 कोठियां और बन जाती, 200 झोपड़ियां और बन जाती तो उनको घर मिल जाते, और तू इतना बड़े मकान को बना करके भोग रहा है तो तू बेईमान है, तू चोर है, तू गुनाहगार है। भाई साहब आपने राकेश शर्मा जी की बात सच कर दी, जो अभी पीछे आए थे हमारे मोटिवेटर, उन्होंने यही बात कही थी कि भाई अर्जन करो और विसर्जन भी करो। नहीं नहीं ये और सवाल ले ली। किशन चंद वर्मा, केसी वर्मा जी, आज किशन चंद्र वर्मा जी के नाम से हैं जी। गुरु जी सवाल पूछिए। सभी को सादर प्रणाम अभिनंदन, सबका बहुत ही मधुरमय भाषण जो इन्होंने बातें कही हैं, दिल से भाषण तो नहीं कहूँगा, ये हृदय से आए उद्गार हैं, जिनसे पता चलता है इनके व्यक्तित्व का कि ये तो अध्यात्म जी रहे हैं, अध्यात्म जी रहे हैं, अध्यात्म बोल नहीं रहे हैं, अध्यात्म जीवित रखा है इन्होंने। मैं इनकी एक बात को सपोर्ट करता हूँ वैज्ञानिक आधार पर। आज विदेशों में सर्च की गई है कि हार्ट प्रॉब्लम, डायबिटीज प्रॉब्लम, कैंसर, इसके प्रमुख कारण क्या हैं। उन्होंने पाया है कि जो नॉन वेज डाइट खाते हैं, यानी मांस वगैरह खाते हैं, उनके माध्यम से उनके अंदर जीन्स में जाकर ये प्रतिक्रिया करती है, और बहुत से वेस्टर्न कंट्रीज के डॉक्टर साइंटिस्ट वो वीगन डाइट पे आ गए, वीगन डाइट का मतलब है शाकाहारी बन गए हैं, परित्याग कर दिया उन्होंने इन मांस का। तो विज्ञान ने भी ये सिद्ध कर दिया है, धर्म ने तो कहा ही था, विज्ञान ने भी ये सिद्ध कर दिया है कि ये आहार मनुष्य के लिए नहीं है। परमात्मा ने हमें ऐसा बनाया ही नहीं है, शेर को बनाया है, शेर के दांत देखो कैसे हैं, हमारे दांत देखो कैसे हैं, तो ये प्रकृति ने भी बना रखा है और विज्ञान ने भी सिद्ध कर दिया है, और धर्म तो कहता ही रहा है। तो सब मिलकर इस ये जो हिंसा हो रही है, इसको हिंसा को बंद करें और प्रकृति से भी उतना ही लें जितना हमें जरूरत है, और वो भी विनम्र भाव से लें। मैं सुबह जूस निकालता हूँ तो मैं एलोवेरा का पत्ता तोड़ता हूँ तो मेरे को, मैं प्रार्थना का भाव आता है कि हे प्रकृति तू मुझे दे रही है, तो ये नहीं कि मैं ऐसे ही तोड़ लूँ, बड़े आराम से एक पत्ता ही काटता हूँ उसका, तो बड़ी खुशी होती है। प्रकृति दे रही है, सबको देगी, लेकिन आवश्यकता पूरी हो सकती है लेकिन हवस पूरी नहीं हो सकती, और मनुष्य की ये हवस ही मनुष्य को पतन की ओर ले जा रही है। भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आपको सुनने का मुझे अवसर मिला, बहुत ही अच्छे उद्गार आपके, मैं नमन करता हूँ आपको। एक आखिरी क्वेश्चन ले लीजिए, लास्ट क्वेश्चन। हर्षवर्धन जी, लास्ट क्वेश्चन ले लीजिए। हर्षवर्धन जी, हर्षवर्धन जी अनम्यूट कर दिया आपको, आप सवाल पूछ सकते हैं। हर्षवर्धन जी नहीं पूछ पा रहे, संजय जी को अलाउ कर दो। संजय जैन साहब हाथ उठा रहे थे जी, संजय जैन जी को अलाउ कर दो जी। संजय जैन जी नमस्कार। नरेश जी आ रही है मेरी आवाज ना सर? जी, 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 जय जिनेन्द्र। आज जो नरेश जी का
व्याख्यान हमने सुना, ये आंखों को खोल देने वाला है। हम तो जैन परिवार में ही पैदा हुए, इसलिए ये सब बातें नीति के अंदर हैं। मेरा एक प्रश्न ये है कि जो ऐसे ऐसे क्षेत्र हैं जहां साल में 10 महीने बर्फ रहती है, और रेगिस्तान ऐसे हैं जहां पर सैकड़ों हजारों मीलों तक कुछ नहीं उगता, तो उन लोगों की नीति है मांसाहार करना, तो क्या ये धर्म के अनुसार सही है या ये नहीं सही है? ये कंफ्यूजन मेरे दिमाग में हमेशा रहता है। मैं इस विषय में थोड़ा सा प्रकाश चाहता हूँ भाई साहब की तरफ। ऐसा है भाई साहब, हमारा जो क्षेत्र है, जो ये भारत भूमि है, वो आर्य क्षेत्र है। आर्य क्षेत्र के अंदर धर्म निभाया जा सकता है। वास्तव में देखोगे आप, अपने यहाँ की परंपराएं ऐसी हैं, हमारे को यहाँ पे संस्कार ऐसा मिलता है, यहाँ का वायुमंडल, यहाँ की प्रकृति ऐसी है। कि ध्रुव में, टुंड्रा में या हिमालय पहाड़ों के ऊपर शाकाहार कैसे संभव हो? हकीकत में वहां संभव नहीं हो पाता, वो अनार्य क्षेत्र है। अनार्य क्षेत्र के अंदर धर्म करना भी मुश्किल ही है। आज कभी भी आपने नहीं सुना होगा कि जैन साधु जो है बाहर में है। हम लोग अपने भी जैन सोचते हैं या आर्य भूमि के हिसाब से देखते हैं, धर्म जो धर्म यहाँ निभाया जा सकता है, वो जो अधर्म आज हम कर रहे हैं उस वजह से हमारी कैटेगरी वैसी हो गई कि हमें वहां जाके जन्म लेना होता है, हमें वहां पे जन्म लेना होता है। आज वहां पर भी शाकाहार का प्रयोग हो रहा है, वो लोग शाकाहारी बन गए हैं, लेकिन भ्रष्टता और भ्रष्टता हमारी ये है कि हम उनका अनुकरण कर रहे हैं, अनुसरण कर रहे हैं, वो त्रहिमाम त्रहिमाम कर रहे हैं। जापान चले जाओ, शाकाहार बन रहे हैं, रात्रि का व्रत का नियम निभा रहे हैं, आज खान पान को सुधार रहे हैं। उन्होंने मान लिया है कि ये भोजन हमारा है ही नहीं, ये हिंसा करने का काम प्रकृति जो है हमारी है ही नहीं, हमारी शांत प्रकृति है, हमारी मानवता की प्रकृति है, हमारी सरलता की प्रकृति है। हम शाकाहारी पशुओं जैसे हैं, जैसे भाई साहब ने बताया था कि हमारे दांत वैसे, हमारे दांत नुकीले नहीं, हमारे पंजे वैसे नहीं, हमारे हाँ हाँ के हम सांस नहीं लेते हैं। कहने का मकसद ये है कि भाई साहब वो क्षेत्र अनार्य क्षेत्र है, वहां थोड़ा मुश्किल है, थोड़ा नहीं बहुत मुश्किल है, लेकिन वहां भी शाकाहार निभाया जा सकता है। और फिर ऐसा जीना ही क्या जिसके अंदर इंसानियत और जिसमें हैवानियत हो, उससे मर जाना अच्छा, उसको अपने नियम को निभाने की, लेकिन उनको वो संस्कार दे भी कौन? आज आप में और मेरे में वो संस्कार हो तो हम वहां जाकर के भी मरना मंजूर करेंगे, हम उसे खाना नहीं चाहेंगे, ऐसा मेरे को ख्याल में। नहीं, ये बिल्कुल एक मिनट लूंगा राजेश जी, ये बिल्कुल सत्य वचन है, इसके अंदर कोई भी दो राय नहीं है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, जो धर्म की उत्पत्ति होती है वो क्षेत्र के हिसाब से होती है। यदि हमारे जैन संत समाज राजस्थान में पैदा हुआ तो वहां पे नए नहाने का वो नियम लेते हैं, और जो हमारी हिंदू प्रवृत्ति है वो सुबह उठ के गंगा स्नान को सबसे शुद्ध मानते हैं या नहाने को सबसे शुद्ध मानते हैं, जबकि हमारे जैनिज्म में मिनिमम पानी के प्रयोग को माना जाता है क्योंकि ये राजस्थान से उत्पन्न हुआ। तो मेरी अपनी सोच है, शाकाहार सर्वोत्तम है क्योंकि कभी भी जो मांस है या इस टाइप की चीजें हैं वो कच्ची नहीं खाई जा सकती, हम फल को कच्चा खा सकते हैं, तो उसको हम ईटेबल बनाते हैं। लेकिन वो धर्म उस स्थिति में सही है जहां वो क्षेत्र जैसा है, जिस क्षेत्र में जो चीज उगती ही नहीं, वहां साल में 9 महीने 12 महीने 11 महीने, आइसलैंड के अंदर हम लोग गए, वहां साल में 11 महीने बर्फ पड़ती है, 10 महीने बर्फ पड़ती है। आज तो आधुनिक संसाधन उपलब्ध हो गए, हर जगह सब कुछ उपलब्ध है, हम लोग सब कुछ उगा सकते हैं। आज से 200 साल पहले की बात करें तो कोई संभावना ही नहीं थी उगने की। तो वहां उस क्षेत्र के हिसाब से, व्यक्तित्व के हिसाब से वो मांसाहार सही हो सकता है, जबकि जिस क्षेत्र में हम रहते हैं उसके अंदर शाकाहार ही सर्वोत्तम है। बस इतना ही मेरा आपको कहना है। शाकाहार सभी जगह के लिए सर्वोत्तम है भाई साहब। सबसे बड़ी बात है कि वो जिस सृष्टि और रह रहे हैं, हम उसका ना ख्याल करके आज अपना ही ख्याल कर लें, क्योंकि वो भी एक सजा ही पा रहे हैं उस तरीके की प्रवृत्ति में। सांप 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 सांप, शेर शेर शेर, हिंसा हिंसा हिंसा। अब देखो, बकरा है, बकरे को कसाई काट रहा है, कसाई को बकरा काट रहा है, बकरे को कसाई काट रहा है, एक परंपरा चलती है। लेकिन जब उससे बाहर निकल जाते हैं ना, तब वो शाकाहार क्षेत्र में आते हैं, शाकाहार भोजन आते हैं, शाकाहार प्रवृत्ति आती है, और उसकी वास्तव इतना सा है।
एक छोटी सी दो लाइन की कहानी सुनाता हूँ। कहानी क्या है, प्रकृति की बात बताता हूँ। सबकी अलग अलग प्रकृतियां हैं। एक आम का पेड़ था भाई साहब, एकदम छह दोस्त आ रहे थे, छह दोस्तों ने आम जो देखे यार पेड़ को काट लो आम खाएंगे, वो उसकी प्रकृति थी। दूसरे का यार पेड़ क्यों काटना है, शाखा को काट लेते हैं। तीसरा बोला शाखा क्यों काटना है, टहनी को काट लेते हैं। चौथा बोला यार गुच्छे को काट लेते हैं। गुच्छे के बाद में पांचवा बोला कि पके हुए आम काट लेते हैं। लास्ट के अंदर इतने सुंदर विचार, शुक्ल ध्यान का व्यक्ति, कृष्ण मतलब अच्छे अच्छे भावों का व्यक्ति, कहता है हमें पेड़ को क्यों नुकसान पहुंचाना है, जमीन पे गिरे हुए पके हुए आम को खा लेते हैं। हमें तो सिर्फ जो है धार्मिक, हम जहां चारों तरफ के ये हालात देखते हैं कि भी कौन क्या कर रहा है, सच पूछो तो अपने से सुंदरता शुरू कर दें, ये धरती स्वर्ग बन जाएगी भाई साहब। जय जिनेंद्र। सूचना दीजिए कल की। जी जी रलन जी आए हैं क्या, हंसराज जी है क्या? ये कल के कार्यक्रम की सूचना है। कल हमारे बीच में रहेंगे श्रद्धेय अजय भाई जी, विश्व विख्यात स्पीकर, भजन गायक, कथावाचक, और वो राष्ट्र मंदिर विश्व रामायण धाम के संस्थापक हैं, जिन्होंने ऑस्ट्रेलिया में, लंका में, अमेरिका में, इंग्लैंड में जाके राम कथा की है, हनुमान कथा की है। ऐसे एक बड़े व्यक्तित्व को कल हम लाने वाले हैं अपनी कक्षा में। अजय भैया जी रहेंगे। आप सब लोग जुड़िएगा सुबह समय पर, मेरा निवेदन है। धन्यवाद कीजिए नरेश जी का। जी नरेश जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपने अनुभवों के माध्यम से हम सबको लाभान्वित किया और छोटी छोटी घटनाएं आपने बचपन की सुनाई, और आपने जो उदाहरण दिया कि एक जो व्यक्ति था समुद्र की मछलियों को डालता था वापस, तो किसी ने पूछा भी कैसे करता, कि मैं अपना प्रयास कर सकता हूँ। तो यदि हर व्यक्ति प्रयास करे तो सफलता दूर नहीं है। कहते हैं कि सिर्फ ख्वाहिशों से ही फूल गिरते नहीं है झोली में, कर्म की शाख को भी हिलाना होगा, और कुछ नहीं होगा अंधेरे को कोसने से, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा। यानी कि हम अपना अपना प्रयास करें तो हम लाभान्वित हो सकते हैं, और कुछ परिस्थितियों में देश काल पात्र के हिसाब से नियम बदल भी जाते हैं, लेकिन आपने बताया कि सर्वोत्तम तो शाकाहारी है, लेकिन देश काल पात्र के हिसाब से थोड़ा परिवर्तन उसमें हो सकता है। तो इस मंच पे आने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, और अतुल रंजीत कुमार जी ने इसका जो सारांश है ये चैट में डाल रखा है, तो आप उसको भी पढ़ सकते हैं। ये फेसबुक पे भी लाइव चल रहा है, बाद में भी देख सकते हैं जो छूट गए हैं। तो आपका बहुत बहुत आभार, और सभी श्रोताओं का भी आभार, और मैं अभी अपने अनुज सचिन शालीन से अनुरोध करता हूं कि वो शांति पाठ करें। सचिन शालीन, राजेश राठौर जी, आप ही प्ले कर लो। भाई साहब मेरे से अब प्ले नहीं हो पा रहा, मैं मोबाइल से चला रहा हूं अभी, तो मोबाइल से चला रहे हैं, कोई बात नहीं, शांति। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। अब सब लोग एक दूसरे का अभिवादन करेंगे, और कल सुबह फिर एक नए स्पीकर के साथ हम सब मिलेंगे। आपका आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। सबको ओपन कर दीजिए। जी कर दिया भाई साहब। राम राम सभी को। बहुत बहुत धन्यवाद जान साहब। सबका भला हो, सबको नमस्ते।
सबका ब्रांडिंग भी जरूरी होती है सर, क्या करें। सबका बनाया सबका। और मैं ये देख रहा था कि कैमरा आपके साथ साथ कैसे चल रहा है, आप वहाँ गए डिश वॉशर में, वहाँ पे भी ब्रांडे देख रहे हैं, तो भी रूम में आए तो भी राम राम जी, जय राम राम जी। सर